तमिलनाडु में भाषा विवाद की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दो मामले निकलकर सामने आए हैं। पहला तो ये कि अब वहां पर दही के नाम के ऊपर हिंदी भाषा को बोला जा रहा है कि भैया दही नहीं लिखेंगे, जो स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है वही आप लिख सकते हैं। दूसरा, जो आरोप लगे थे कि जो बिहार के मजदूर हैं जो कि तमिलनाडु से पलायन कर रहे हैं, उस टाइम बताया जा रहा था कि ये लोग होली के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये है कि बिहार के करीब करीब 2 लाख मजदूर जो कि तमिलनाडु में काम करते थे वो वापस नहीं लौटे। अब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के आसपास जो पूरी बातें हुई थी कि भाई तमिलनाडु में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद हम ये नहीं कहते कि भैया तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ कुछ भी गलत हुआ, लेकिन अगर 2 लाख मजदूर वापस नहीं जा रहे हैं तो सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु में चल रहे भाषा विवाद को लेकर, दही को लेकर कहां पे हांडी फूटी हुई और मजदूरों को लेकर कौन सी बात चल रही है, इन दोनों ही विषयों में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी आप लोग टच करके उस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर कि आपको सभी वीडियोस की अपडेट और साथ ही साथ जो भी न्यूज चलती रहती हैं उन सभी के बारे में जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में दही के नाम पर अब सियासत शुरू हो गई। राज्य के दूध उत्पादन संघ आविन ने कहा है कि वो अपने पैकेट पर दही शब्द नहीं लिखेगा, उसकी जगह तमिल शब्द तायर का ही इस्तेमाल करेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि FSSAI ने पैकेट पर कर्ड हटाकर दही लिखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु के लोग इसके विरोध में उतर आए। वहीं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी थोपने का एक बार फिर से आरोप लगाया है। सरकार के दखल के बाद FSSAI ने अपना आदेश वापस ले लिया है। सीएम स्टालिन ने एक न्यूज रिपोर्ट को हवाला देते हुए कहा कि हिंदी लागू करने की जिद इस हद तक आ गई है कि हमें कर्ड के पैकेट को भी हिंदी में करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे दक्षिण राज्यों की भाषा पिछड़ रही। हमारी मातृभाषा का अपमान करने वाले राज्य से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे, राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। राज्य के दुग्ध विकास मंत्री SS नसर ने FSSAI को लेटर लिखा था। उन्होंने अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की थी। नसर ने कहा कि राज्य में हिंदी के लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ड एक जेनेरिक टर्म है जिसका इस्तेमाल किसी भी भाषा में किया जा सकता है, जबकि दही एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है जिसका स्वाद कर्ड से अलग होता है। मंत्री ने FSSAI को अगस्त से पहले नाम बदलने के निर्देश दिए हुए हैं। तमिलनाडु की भाजपा यूनिट के प्रमुख के अनामलई के ने भी इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की सेंट्रल पॉलिसी से कहीं तक भी मेल नहीं खाता। वहीं राज्य के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आविन के नाम से जाना जाने वाला तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ दही के लिए तायर शब्द का ही इस्तेमाल करेगा और FSSAI को भी इस संबंध में नोटिस भेजा गया है। वहीं तमिलनाडु में हिंदी भाषा पर विवाद कोई नया नहीं है। राज्य लंबे समय से दक्षिण राज्यों पर हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहा है। 60 के दशक में राज्य में हिंदी विरोध प्रदर्शन किए गए थे और तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य को भरोसा दिलाया था कि केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी ही मान्य होगी। तमिलनाडु को मेहमान प्रवासी मजदूरों का इंतजार है। इसी बीच में खबर यह निकलकर सामने आई कि हर साल होली मनाने के लिए अपने राज्यों को जाने वाले उत्तर भारतीय मजदूरों में से लगभग 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस नहीं लौटे। इससे राज्य की गारमेंट और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हब कोयम्बटूर और त्रिपुर में होली के बाद से अब तक के एक पखवाड़े में उत्पादन में लगभग 20% तक का घाटा झेलना पड़ा है। कोयम्बटूर और त्रिपुर की लगभग 50,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। चेन्नई की होटल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई। बता दें कि उत्तर भारतीय मजदूरों पर हमले के कुछ फर्जी वीडियो निकलकर सामने आए थे। इसके बाद अफवाहों के दौर के कारण कई उत्तर भारतीय मजदूर वापसी से कतरा रहे हैं। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि प्रोडक्शन करना मुश्किल होता जा रहा है। उनकी मांग है कि प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल फेडरेशन के समन्वयक जेम्स एम ने मीडिया को बताया कि उत्पादन में कमी को फिलहाल फैक्ट्री मालिक मौजूदा श्रमिकों से ही किसी तरह ओवर टाइम काम करवा रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। ये वो उत्तर भारतीय मजदूर हैं जो अपने घर नहीं गए थे। ये उसका कहना है कि प्रवासी मजदूरों के बिना प्रोडक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चेन्नई होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि का कहना है कि यहाँ के लगभग 10,000 होटल कैफे रेस्टोरेंट और बेकरी में लगभग 2.5 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इनमें से लगभग 50% अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वहीं रवि का कहना है कि प्रवासियों में भले ही असुरक्षा की भावना फर्जी वीडियो से आई हो, लेकिन राज्य सरकार को प्रवासियों की सुरक्षा का भरोसा देना चाहिए, अन्यथा प्रवासी मजदूर केरल और कर्नाटक में रोजी की तलाश में चले जाएंगे। उत्तर भारतीय मजदूरों को फोन कर सुरक्षा का भरोसा दिला रहे त्रिपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यम ने बताया कि त्योहार के बाद से प्रवासी मजदूरों के वापस नहीं लौटने से गार्मेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
तमिलनाडु में गारमेंट फैक्ट्रियों में 60% मजदूर प्रवासी होते हैं। कई फैक्ट्रियों की एचआर टीम प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारजनों को फोन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा का उनको भरोसा दिला रहे हैं। सुब्रमण्यम का कहना है कि कई प्रवासी मजदूरों ने एक या फिर दो हफ्तों के बाद काम पर लौटने का भरोसा दिलाया है। वहीं अर्थशास्त्री और प्रवासी मजदूरों पर रिसर्च कर चुके वी मरियप्पन बताते हैं कि तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य में करीब 6 लाख प्रवासी मजदूर हैं। अधिकांश बिहार, यूपी, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। पूर्वोत्तर के भी प्रवासी मजदूर हैं। तमिलनाडु में लगभग 10 साल पहले प्रवासी मजदूरों को एजेंटों के द्वारा कंस्ट्रक्शन के नाम पर लाया गया था। अब इन मजदूरों पर गारमेंट और होटल इंडस्ट्री सहित गैर संगठित क्षेत्र भी निर्भर हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मजदूरों वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हिंदी के बारे में जब भी कोई बात होती है तो अपने आप ही माहौल अपने आप ही टेंस हो जाता है। ऐसे में एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दही के ऊपर जो नई राजनीति शुरू हुई है, उसके अलावा मजदूरों को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।